हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। कारजोग बठिंडा दी समुची प्रेस, तुसी सारे छोटे जे सदे ते छोटे टाइम ते तुसी सारे जने आए, थोड़ा सारिआं दा तहि दिल तो समुचे श्रोमणी अकाली दल दी टीम वल्लों धन्नवाद करदे आं। अज आपां सारे इकट्ठे होण दा एक मुख कारण जो पिछले कल बठिंडा शहर दे विच एक ज्वैलर की दुकान के उत्ते शरेआम पिस्तौल दिखा के कैश लुटाया गया, इस तरह की जो हरकत हुई है, जो ये घटना घटी है, वो बठिंडा शहर के समुचे व्यापारी भाईचारे के सहम बनया होया, जिहड़े हालात बने हुए ने बठिंडे शहर के, वो तुसी आप खुद भी भली भांत जाणू उन्हां हालातों तो किस तरह बठिंडा शहर के दिन दिहाड़े डकैतियां लुट्टां खोहां कड़े खोए जा रहे हैं। शाम नूं 5 बजे दुपहरे 3 बजे चैनिया पर्स खोए जा रहे हैं, वो मैं थोनों एक कल्ले एरिए दा जिक्र नहीं कर सकता, ये हालात सारे शहर दे नेगे। किस तरह नशियां दा जो हालात बने हुए ने, चिट्टे दा जो काम चल रहा है, शरेआम चिट्टा बिक रहा है, उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासन वल्लों सरकार वल्लों उहदे वास्ते कोई संजीदा कदम नहीं चुके जा रहे। ये तुसीं भी जानदे हो जिहड़े हालात जिन्हां हालातों वास्ते जो इन्होंने गरंटियां दित्तियां सी, केजरीवाल ने दिल्ली तो आके जदों आउंदा सी 15 दिनों बाद एक गरंटी दिंदा सी, इवें जिवें उन्होंने एक नशे की गरंटी भी दित्ती सी भी असीं 2 महीनों के 3 महीनों के इस नूं खत्म कर देंगे। अज किस तरह उन्होंने जो ड्रामा करके नौजवानों नूं लैके अरदास बेनती करन वास्ते जो नशे के संबंध के अरदास आपां सारे करते हैं, सरबत दे भले वास्ते करते हैं, पर सरकार की ड्यूटी जिहड़ी सीगी उन्होंने बाखूबी निभाउण दे विच नाकाम रहे है। इस दी बजाय कि उत्थे जांदे जाओ, आपां इह नहीं कहिंदे मत्था टेकना पर अरदास बेनतियां करते हैं, आपां सरबत दे भले वास्ते करते हैं, पर जिस तरह वह गुमराह करके लैके गए नौजवानों नूं, पंजाब सरकार का फर्ज बनता सी हैडक्वार्टर लेवल के उत्ते जिला लेवल के उत्ते कोई सैल बनाए जाते, कोई वखरा तरीके नाल इस कंट्रोल करन दा जो ढंग तरीका अपनाया जाता, अकाली दल की सरकार दौरान जो ये गल करते भी उदों शुरुआत हुई है नशे की होया, उस तो कई गुणा कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल रही है वाधा होया नशियां दे विच। महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्तों के खत्म करन दा वादा करिया सी पंजाब दे लोकां नाल, 5 साल टप्पण तो बाद भी उन्हां तो कंट्रोल नहीं होया, इन्हां ने 3-4 महीनों का वादा करिया सी इन्हां तो कंट्रोल नहीं होया, केजरीवाल वार बार आउंदा सी बहुत गरंटियां करियां नशियां दी करी, पंजाब दी डिवेलपमेंट दी करी, लेडीज़ नूं 1000 रुपया देण दी गरंटी करी, कोई गरंटियां पूरियां नहीं हो सकियां। बिजली दे बिलां दा जो एक ड्रामा कीता इन्हां ने माफ़ करके, वह आम तौर दे उत्ते 300 यूनिट दा इन्हां ने करिया सीगा, पर गरीब महल्लियां दे विच जे असीं जाके देखदे हां उत्थे 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार 25-25 हज़ार वह बिल आ रहे नेगे, बहुत घट लोग होणगे मेरा ख्याल है, सानू तां किसी ने दस्सिया नहीं हजे तक भी साडा बिल माफ़ हो गया। मक्खण जी बैठे है इन्हां दे एरिया दे विच, असीं पिछले 4-5 दिन जाके आए हैंगे, उत्थे बहुत लोगों के हाहाकार मची हुई सी बिलों की, मगल कल्ले बिलों की नहीं, पंजाब बठिंडे दे विच जो पंजाब दे विच जो सरकार आउण तों बाद हालात पैदा होए है, किते भी कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई। अकाली दल की सरकार दौरान बठिंडा शहर के सड़कों का जाल बछाया, पंजाब के सड़कों का जाल बछाया, एम्स वर्गे जिहड़े होस्पिटल लैके आते हैं, सेंट्रल यूनीवर्सिटी 5-7 यूनीवर्सिटियां अपने जिले के अकाली दल की सरकार दौरान आईया, किस तरह एम्स हस्पताल, कैंसर हस्पताल, जौगर पार्क, दादी पोती पार्क, कल्ली कल्ली गल की करावां 2 घंटे लग जाएंगे, जो डिवेलपमेंट हुई है नौजवानों वास्ते, हाकी स्टेडियम है बहुमतवी स्टेडियम जिहड़ा पीरखाने को है, ये अकाली दल की सरकार दा आण इहनूं रेनोवेट किया गया, राजेंद्रा कॉलेज के हाकी स्टेडियम लैके आंदा, उत्थे होर भी वक्ख वक्ख बास्केटबॉल बैडमिंटन बॉल उन्हां दा जो इन्होंने टैरस बनाए थे अकाली दल की सरकार दौरान बनाए थे, पिछले दिन बीबा जी ने जाके उत्थे देखा, साढ़े MP साहब ने उत्थे जो अकाली दल की सरकार दौरान जो काम हो गए थे
ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਗਲੇ ਪਏ ਹੈ ਬੀਬਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅਨਸਕਿਓਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਓਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।